नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं सचिन आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह चुनाव 2 महीने पूर्व भी हो सकते थे, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से इन चुनाव को पोस्टपोन किया गया। आइए नजर डालते हैं अशोक गहलोत ने और क्या क्या कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे प्रभारी राजस्थान के एआईसीसी के मंत्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे ऑब्जर्वर राष्ट्रीय चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी, अन्य उपस्थित हमारे मंत्रीगण, तमाम उपस्थित पत्रकार बंधु, जैसा आप सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वो सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाले ने बता रहे थे आपको, किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। सुरजेवाले ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है, मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटक के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं, लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो। पूरी ताकत झोंकती गई, झोंकी गई, तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने। ये हालात में आज देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास शानदार, कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से, देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, वो निर्दयाबूत कभी ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्ट की सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहना हुआ उनके, ये तमाम बातें उनके सबके देश के सामने आ चुकी है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे आप लोगों को? और मुझे आश्चर्य होता, अभी तो कोरोना है, जीवन बचाने का सवाल है, और जीवन बचाने के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तो और जमें कहना चाहूँगा, तमाम बड़ी पार्टी, कोई पार्टी हो, उन सबके लोगों के, उनके सदस्यों के जीवन बचाने की बात है। जब जीवन पे खतरा हो और उस वक्त भी अगर सब मानव एक नहीं हो, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, तो आप बताइए इस कोविड-19 का मुकाबला कैसे कर पाओगे? ये क्या ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग नहीं आती है? क्या ये सोच अमित शाह जी के दिमाग नहीं आती है? जब हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी लिख चुकी थी प्रधानमंत्री जी को, हम आपके साथ खड़े हैं, विपक्षी पार्टी आपके साथ, इसका माने हम सब मिलके, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो,
कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, सब मिलके कोरोना का मुकाबला करेंगे। जीवन बचाने का सवाल है। ये सब आप लोग मास्क लगाए बैठे हो, क्यों लगाए बैठे हो? क्या हो रहा देश के, दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया में चले आगे हमारे सामने, उस वक्त भी तोड़फोड़ करना उनकी फितरत के अंदर है। तोड़ दी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षड्यंत्र राजस्थान के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जो हम लोग छुप छाप बैठे आप बात कर रहे हैं कि सच्चे सामने लाए आप लोग। हम सब पूरी पार्टी में हमारे एमएलए साहब का परसों मीटिंग थी, हम लोगों ने सबने संकल्प एक साथ में सब मिलकर के एक एक वोट, एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। सब मिलके हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगे जी, दोनों सीटें जीतेंगी राजस्थान के अंदर। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि एक एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्द हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के दो लोग आ चुके हमारे साथ में, दो सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को हमें रिक्वेस्ट किए, वो हमें समर्थन देंगे, तो सब एकजुट होकर के हम लोग इन फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। ये संकल्प के साथ हम लोग इकट्ठे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ देंगे। धन्यवाद। इस खबर में सत्ता ही देखते रहिए न्यूज़ 90। नमस्कार।